उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब बदलने लगा है। यूपी के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने का प्रयास किया है। पीडीए पॉलिटिक्स ने अल्पसंख्यकों को एकजुट रखा, वहीं ओबीसी और दलित समुदाय को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ा। इसमें उन्हें बड़े स्तर पर सफलता मिली। यूपी की 80 में से 43 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जीत मिली। सबसे अधिक अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बड़ी रणनीति अपनाई। उन्होंने तमाम इलाकों में कांग्रेस गारंटी कार्ड पहुंचवाया। कांग्रेस गारंटी कार्ड में जीत के बाद 8,500 प्रति महीना और सालाना 1,00,000 रुपए महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मुस्लिम महिलाओं का समूह अब लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पहुंच रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में महिलाओं को जीत के बाद खटाखट 8,500 रुपए 5 जून को मिलने का दावा किया था। लखनऊ से पहुंची महिला ने कहा कि हमें एक फॉर्म मिला था, इसमें पूरा विवरण भरना है। हमें कांग्रेस ऑफिस में काम करने वाली लता जी ने ये फॉर्म दिया था। बुधवार सुबह कार्ड मिलने की बात महिला ने कही। वहीं महिला ने कहा कि हमें कहा गया कि फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा कर दीजिए, इसके बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा। सुबह हमें फॉर्म दिया गया, अब यहाँ जमा करने आए हैं तो कोई है ही नहीं, अब हम वापस जा रही हैं। इस बड़े स्कैम पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से लोगों को ठगने का, बरगलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ यही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हम यहाँ पीछे से आए थे। क्या कुछ ये पत्र आप हाथ में लिए हो और ये पत्र आपको किसने दिया है? ये हमको लता जी ने दिया है। लता जी कौन है पार्टी कार्यालय में? ये पार्टी की है कि क्या करती, किस पद पर है लता जी? ये हमको नहीं पता। कार्ड कब दिया गया आपको? कार्ड कब दिया? हम सुबह मिला है। सुबह दिया है, क्या बोला गया, किसने दिया, किस तरह से, मतलब बताया कि किस फॉर्म जमा भर के वहाँ जमा कर देना यहाँ कार्यालय में, तो जमा करने हम आए। कब मिला फॉर्म? सुबह सुबह दिया लता जी ने दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा ये जो भर के देना, फिर मैसेज आएगा उस पर मोबाइल पे। अच्छा, फिर जो फायदा क्या बताऊँ, क्या फायदा पैसा आएगा? लता जी का पूरा नाम क्या है? हमें नहीं बता सकते। आप कैसे जानती हैं लता जी को? वो तो जानते ही हैं, नहीं रहती हैं, उनको जानते हैं। आप भी पार्टी कार्यकर्ता हैं? नहीं। आप कांग्रेस पार्टी को नहीं जुड़ी हैं? उनके द्वारा आपको बुलाया गया था, आप खुद यहाँ पार्टी कार्यालय में इसको फॉर्म को जमा करने? यहाँ कैसे आ पाई, किसके माध्यम से यहाँ पर आई? हमको पता चला फॉर्म मिल रहा था, हम आ गए थे। और कैसे फॉर्म का पार्टी मुख्यालय से लिया आपने? नहीं, हमको उन्होंने दिया, लता जी ने दिया, और तो सब औरतें यहीं से ले गई सुबह। अच्छा, बहुत सी औरतें ले गई, लेकिन हम जो है मान से उन्होंने हमको दिया। तो अभी जमा करने की जब बात आई फॉर्म की, तो क्या क्या कुछ वो कहते है ही नहीं बाबू, है ही नहीं, जमा का करें, हम जा रहे हैं। कौन जमा कर रहा है फॉर्म? पता नहीं, हमको सुबह जमा नहीं, जमाना पड़ेगा। आप लखनऊ की रहने वाली? जी हाँ, ठीक है।